चिंता क्यों करे, शिव की कृपा अपार है। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे, शिव की कृपा अपार है। अच्छा ही होगा जो भी हो, घबराने की क्या बात है। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 20/7/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाप दादा जो बिल्कुल अपने समय पर आते हैं और कभी भी समय का अनादर नहीं किया बाबा ने। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बात सिखलाते हैं कि समय को हमें रिस्पेक्ट देना है, समय की कीमत करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, वायात बातों में, माना व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय, समय बड़ा अभी का अमूल्य है संगम पर, तो तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है, बाप की याद में आबाद होना है। प्रश्न है, बाप दादा दोनों ही निरहंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे सदैव ये समझो कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। भले ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते, लेकिन शिव बाबा को याद करने में ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए यह दादा यानी ब्रह्मा बाबा निरहंकारी बन कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला एक बाप है, तो उसे ही याद करो। उनकी याद से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे, पर मेरी याद से नहीं। ब्रह्मा बाबा कहते उनकी याद से ये सब होगा, पर मुझे याद करने से नहीं होगा। धारणा के लिए दो मुख्य बातें, एक है ऊंच पद पाने के लिए, ऊंचे से ऊंचा पद है श्री लक्ष्मी नारायण का पद, तो ऊंच पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई में तत्पर रहना है। झरमुई जंगमुई की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, माना पर चिंतन कोई करे और दूसरों की आके हमें नेगेटिव बातें सुनावे, कमजोरी की बातें सुनावे, तो बाबा कहते हैं कि ये व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो उनका भी समय व्यर्थ जाएगा, वो भी बचा लेंगे। नंबर दो है, एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। कभी भी मनसा तूफान के वश, नोट डाउन, कभी भी मनसा तूफानों के वश हो कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है आज का, स्व और सेवा के बैलेंस के द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिनको ये बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति है ही ब्लेसिंग, कितना सुंदर स्लोगन बाबा ने दिया, नोट डाउन, बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। आशीर्वाद चाहिए तो बैलेंस रखना सीख जाएं। बैलेंस वाले को, अनबैलेंस वाले को ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग्स नहीं मिले ये हो ही नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, ये दुआएं ही पालना है। बाबा कहते हैं ये दुआएं जो प्राप्त होती है ना, वह भी एक प्रभु की पालना है।
सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना यही महादान है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।